फाइनली दोस्तों फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एक प्रिडिक्शन का और एक वीडियो लेकर के। दोस्तों आज का जो मुकाबला खेला जाएगा वह इंग्लैंड वर्सेज यानी इंडिया के बीच खेला जाएगा और दोस्तों ओडीआई का जो मुकाबला नंबर हो जाएगा वह सेकंड मुकाबला नंबर हो जाएगा। और दोस्तों आप एक ड्रीम इलेवन की यूजर रहते, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा जो प्रिडिक्शन रहता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। भाई मैंने पिछले मुकाबला में बोला था कि यहाँ पर से रोहित शर्मा जो हुआ आपको 50 रन प्लस मारेंगे, तो भाई वही हुआ था, रोहित शर्मा यहाँ पर से आपको 50 रन प्लस मारे थे। और दोस्तों मैंने बॉलर्स में बोला था कि बॉलर्स में आपको यहाँ पर से बुमराह जो हुआ 3 विकेट प्लस लेकर के देने वाला था, लेकिन यहाँ पर से बुमराह ने आपको यहाँ पर से जो हुआ आपको 6 विकेट लेकर के दिया था। मैंने बोला था कि आपको मोहम्मद शमी यहाँ पर से आपको 2 विकेट प्लस लेगा, तो यहाँ पर से मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिया था। तो भाई आप एक ड्रीम इलेवन के यूजर है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्लेइंग इलेवन टीम सेलेक्ट करके देने वाला हूँ। और दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ, मेरा जो फाइनल टीम मिलता है दोस्तों, फाइनल टीम जो आपको देखने को मिलेगा वह कहाँ मिलेगा, तो आपको फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर से आप ज्वाइन हो जाते हो तो फाइनल टीम आपको वहीं पर से देखने को मिलेगा। और साथ में मैं यहाँ पर से आपको कमेंट बॉक्स में भी मैसेज को पिन कर दिया हूँ, यानी टेलीग्राम लिंक का पिन कर दिया, तो वहाँ पर से भी आप ज्वाइन हो जाओगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जल्द से ना ज्वाइन हो जाना। तो दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्लेइंग इलेवन टीम सेलेक्ट करके दूंगा और आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन ये सभी सेलेक्ट करके देने वाला हूँ। सिर्फ आप वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखना और सबसे पहले मैं आपको पूरा बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा कि आज का जो मुकाबला खेला जाएगा किस स्टेडियम में खेला जाएगा। और दोस्तों यह जो स्टेडियम होने वाला हुआ बॉलिंग पिच होने वाला है या बैटिंग पिच होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देख लेते तो मैं आपको ड्रीम इलेवन से जो हुआ ढेर सारा पैसा विन कराने वाला हूं और आपको पूरा प्लेइंग इलेवन टीम सेलेक्ट करके आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा बारीकी से मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर से फैन कोड के बारे में बात करता हूँ। मैं यहाँ पर से फैन कोड एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पर से पिच रिपोर्ट देखता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आज का जो मुकाबला खेला जाएगा वह किस स्टेडियम में खेला जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हो लॉर्ड्स के यानी लंदन में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आप देखते रहो, आपको पूरा यहाँ पर से प्रिडिक्शन मिलने वाला और आपको प्लेइंग इलेवन टीम सेलेक्ट करके देने वाला और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हो आपको पिच रिपोर्ट जो दिखाई देता होगा वह बैटिंग पिच नज़र आता होगा। यहाँ पर से मैंने आपको पिच रिपोर्ट बता दिया कि भाई मुझे मालूम चल गया पिच रिपोर्ट जो हुआ बैटिंग पिच है। और दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हो कुछ खिलाड़ी का यहाँ पर इस पिच पर यानी इंग्लैंड के पिच में यानी लॉर्ड्स के पिच में कुछ खिलाड़ी का देख सकते हो जो मुकाबला खेले, जैसे पी सेल्ट हो गए। मैं इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, एक मुकाबला खेले और दोस्तों रन जो मारे हुआ 60 वही बात कर लेते, स्ट्राइक रेट 111 का स्ट्राइक रेट वही बात कर लेते वीएन स्टोक की। तो दोस्तों यहाँ पर से एक मुकाबला खेले क्योंकि ये मुकाबला खेले तो मैं इनके बारे में चर्चा करूँगा, यह लॉर्ड्स के यानी इस स्टेडियम में लंदन में। तो दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हो आपको जो दिखाई देता होगा रन आपको दिखाई देता होगा यहाँ पर से देख सकते हो 22 है। और दोस्तों स्ट्राइक रेट भी इनका कोई ज़्यादा खास नहीं है। उसके बाद कुछ यहाँ पर से बॉलर्स का है तो मैं इनके बारे में चर्चा नहीं करूँगा। और दोस्तों इस पिच पर रन की बात कर लेते तो आप देख सकते हो आपको जो टोटल स्कोर दिखाई देता होगा वह 236 स्कोर है। उसके बाद इनिंग स्कोर की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर से 266 इनिंग स्कोर नज़र आता होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर से अब बैक चले आता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर से बात कर लेता हूँ पिछले मुकाबले में जो मैं ड्रीम इलेवन में टीम बनाया था वह आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर से देख सकते तो मैंने बुमराह था, मेरा में रोहित शर्मा था, मोहम्मद शमी भी था। तो दोस्तों मैंने कैप्टन किसको बनाया था, वीसी किसको बनाया था ये आपको बता देता हूँ। मेरा जो यहाँ पर से वीसी था वह जसप्रीत बुमराह था। और दोस्तों सी की बात कर लेते हैं जो टेलीग्राम पर फाइनल टीम दिया था उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरा जो सी था वह आपको रोहित शर्मा था। जाकर के देख सकते हो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेते हो तो फाइनल टीम टॉस होने के बाद वहीं पर मिलेगा। तो चलिए मैं अब अपना ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और आपको पूरा बारीकी से बताता हूँ। और साथ में दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि फाइनल टीम आपको बार बार बोल रहे हैं, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और नहीं तो मैं वहां पर से कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दिया हूं, वहां पर से ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों विकेट कीपर की बात कर लेते हैं तो विकेट कीपर में आप देख सकते हो आपको यहां पर से दिखाई देता हुआ जॉस बटलर, जॉनी बेस्टो, ऋषभ पंत। विकेट कीपर में ये दो आपको विकेट कीपर, 3 विकेट कीपर नजर आते होंगे। तो दोस्तों यहां पर से बता देता हूं जॉस बटलर को रख लेना काफी ज्यादा जरूरी है, तो मैं यहां पर से जॉस बटलर को रख लिया हूं। और दोस्तों यहां पर से जॉस बटलर से बल्ले की रन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों आज आपको बता देता हूं जॉस बटलर को 50 रन प्लस देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहां पर से आपको बता देता हूं यदि इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है तो दोस्तों यहां पर से जो बटलर है वह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यदि 50 रन मार लेते तो भाई इनके बल्ले से आपको सेंचुरी भी देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर से जॉस बटलर को रख लिया। उसके बाद मैं बारी के बात करता हूँ यहाँ पर से जॉनी बेस्टो के बारे में और उसके बाद ऋषभ पंत के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर से बेस्टो को रख लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऋषभ
पंथ को रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं तो आप ड्रॉप करना चाहते हो तो फिलहाल आप ड्रॉप करके ही चलो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दोगे तो फाइनल टीम आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर से मैंने दो विकेट कीपर को सेलेक्ट कर लिया जो ओपनिंग करने आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर से मैंने जॉस बटलर और जॉनी बेस्टो को सेलेक्ट कर लिया और ये दोनों के बीच साझेदारी की बात कर लेते हैं तो ये दोनों के बीच आपको जो साझेदारी देखने को मिलेगी वह आपको बता देता हूँ 60 रन प्लस की साझेदारी होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर से मैं दो विकेट कीपर को रख लिया। उसके बाद बैटिंग सेक्शन में आप देख सकते हो जो रूट, रोहित शर्मा, उसके बाद आपको यहाँ पर से शिखर धवन नजर आते होंगे, जयसन रॉय, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर आपको नजर आते होंगे। उसके बाद आप यहाँ पर से देख सकते हो डिविस्टन नजर आते होंगे, पी सेल्ट नजर आते होंगे और दोस्तों यहाँ पर से आपको दिखाई देता होगा एच ब्रुक नजर आते होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ जो रूट को रख लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रूट को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद रोहित शर्मा और शिखर धवन। तो दोस्तों यहाँ पर से भारत की तरफ से ये दो खिलाड़ी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर से इन दोनों की भी साझेदारी की बात कर लेते हैं तो ये दोनों की भी जो साझेदारी रहेगी आज की भी मुकाबला में 70 रन प्लस का होने वाला है। और दोस्तों रोहित शर्मा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला और शिखर धवन। तो आज मैं आपको बता देता हूँ शिखर धवन के बल्ले से आपको ये 40 से लेकर के आपको यहाँ पर से 50 रन प्लस देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है शिखर धवन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, रोहित शर्मा उतना नहीं हो सकता लेकिन शिखर धवन को बल्ले से आपको 50 रन प्लस देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर से शिखर धवन को रख लिया हूँ। उसके बाद बारी आती है जयसन रॉय को रखना है, जयसन रॉय को रखना है या सूर्य कुमार यादव या श्रेयस अय्यर को। तो दोस्तों यहाँ पर से बता देता हूँ आपको यहाँ पर से जो रखना है वह सूर्य कुमार यादव को रख लेना है। तो चलिए मैं सूर्य कुमार यादव को रख लिया क्योंकि इनके पास पेशेंस काफ़ी ज़्यादा है और दोस्तों ये बैटिंग करने आते हैं तो इनके बल्ले से आपको 50-60 रन प्लस देखने को मिलेगा सूर्य कुमार यादव से। तो चलिए मैं यहाँ पर से सूर्य कुमार यादव को भी सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद ऑलराउंडर्स में आप देख सकते हो आपको नजर आते होंगे स्टोक, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मोइन अली और दोस्तों यहाँ पर से आप नीचे जागो तो नीचे में और सारा आपको खिलाड़ी नजर आएंगे जो इंपोर्टेंट है, मैं उनके बारे में चर्चा करता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस पिच पर बेन स्टोक का कोई रिकॉर्ड नहीं, लॉर्ड्स के पिच पर यानी बेन स्टोक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर से एक मुकाबला खेले थे उस ग्राउंड पर और दोस्तों ये जो रन मारे थे मात्र 22 रन मारे थे और स्ट्राइक रेट की बात कर लेते तो भाई इनका स्ट्राइक रेट जो था वो 88 का था और बॉलिंग से इनसे उम्मीद लगा सकते हो यदि आप टीम में रखते हो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर से बेन स्टोक जो पूरा 10 ओवर बॉलिंग करेंगे। तो यहाँ पर से बेन स्टोक को रख सकते हो और नहीं तो रविंद्र जडेजा की जगह पर आप मोइन अली को ट्राई कर लेना। तो चलिए मैं फिलहाल मोइन अली को रख लिया, उसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसके बाद मैं यहाँ पर से बेन स्टोक को सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर से बेन स्टोक को सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद मोइन अली को, तो दोस्तों यहाँ पर से बता देता हूँ मोइन अली आज आपको जो विकेट लेकर के देगा 2 विकेट प्लस रहेगा तो मोइन अली को रख लेना। और जॉनी बेस्टो यानी उतना कोई खास नहीं लेकिन इनसे उम्मीद लगा सकते हो, ODI है तो ODI में 10 ओवर यानी 10 ओवर यहाँ पर से ये जो बॉलिंग करेंगे 10 ओवर ODI में बॉलिंग करते तो इनसे 1-2 विकेट की आशा लगा सकते हो जो यहाँ पर से स्टोक से। तो चलिए मैं यहाँ पर से स्टोक को रख लिया। उसके बाद आप बॉलिंग सेक्शन में जाओगे तो बॉलिंग सेक्शन में देख सकते हो बुमराह नजर आते होंगे, चहल, मोहम्मद शमी, वेली आपको नजर आते होंगे और दोस्तों यहां पर से आप देख सकते हो प्रसिद्ध कृष्णा जो खिलाड़ी आपके लिए इंपोर्टेंट है मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहां पर से ये नजर आते होंगे। तो यहां पर से जसप्रीत बुमराह को रख लेना काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, जसप्रीत बुमराह के साथ मैंने यहां पर से मोहम्मद शमी को रख लिया। उसके बाद दोस्तों आप बैटिंग सेक्शन में जाओ तो बैटिंग सेक्शन में देख सकते हो आप बैटिंग सेक्शन में किसी एक को कम कर सकते हो क्योंकि बॉलर्स आपको लेना, ODI का मैच है तो ODI में आपको लिए बॉलर्स होना काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो विकेट कीपर में आप फिलहाल में चलो यहाँ पर से जॉनी बेस्टो को जो हुआ ड्रॉप करके चल रहा हूँ लेकिन आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हो तो फाइनल टीम आपको वहीं पर से देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर से वेली को रख लिया हूँ और दोस्तों बारी आती है यहाँ पर से चहल को रखना है या यहाँ पर से आपको बता देता हूँ यहाँ पर से आर टॉपली को रखना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए आर टॉपली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो चलिए मैं इनको रख लिया। और दोस्तों आज की मैच में आपको वेली भी 2 विकेट लेते हुए नजर आएंगे। उसके बाद मोहम्मद शमी और साथ में जसप्रीत बुमराह आपको 2-2 विकेट लेकर के देंगे तो ये 2 खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला और हो सकते तो 3 विकेट प्लस लेकर के जसप्रीत बुमराह देने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर से जसप्रीत बुमराह को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब बारी आती कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो दोस्तों कैप्टन किसको बनाना है, वाइस कैप्टन किसको बनाना है, तो मैं आपको बता देता हूँ आज का जो मेरा कैप्टन रहेगा वह जसप्रीत बुमराह रहेगा। उसके बाद VC की बात कर लेते तो VC में मैं यहाँ पर से जॉस बटलर को रख लिया। और दोस्तों आप ट्राई करना चाहते हो तो VC में आप कर सकते हो शिखर धवन को और नहीं तो आप VC बनाना चाहते हो तो यहाँ पर से VC में आप वेली को भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए मैं फिलहाल जो VC बना दिया हूँ वह जॉस बटलर को ही बना दिया हूँ और चाहते हो आप VC बनाना तो शिखर धवन को ले सकते हो लेकिन एक कंडीशन रहेगा, यदि भारत सबसे पहले यानी फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है तब आप शिखर धवन या आप यहाँ पर से रोहित शर्मा में से किसी को एक कैप्टन या VC में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने जो आपको टीम सेलेक्ट करके दिया हुआ टीम किस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हो आपको विकेट कीपर में मैंने 1 विकेट कीपर फिलहाल सेलेक्ट कर लिया हूँ, 1 विकेट कीपर आपको नजर आते होंगे
बटलर नज़र आते होंगे। उसके बाद बैटिंग सेक्शन में आप देख सकते हो, बैटिंग सेक्शन में आपको रोहित शर्मा, शिखर धवन, सूर्य कुमार यादव, जो रूट। उसके बाद ऑलराउंडर्स में आपको बेन स्टोक, मोइन अली। और दोस्तों वही बॉलर्स की बात कर लेते हैं, तो बॉलर्स में आप देख सकते हो शमी नज़र आते होंगे, जसप्रीत बुमराह, वेली। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से आर टॉपली नज़र आते होंगे। तो मैंने आपको इस प्रकार से जो वह प्लेइंग 11 टीम सेलेक्ट करके दे दिया। और दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हो तो फाइनल टीम जो आपको देखने को मिलेगी, फाइनल टीम वह टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन हो जाते हो तो फाइनल टीम वहीं पर देखने को मिलेगी। और साथ में मैंने कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक जो है वह पिन कर दिया हूँ, आप वहाँ पर से भी ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और जो भाई चैनल पर पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको रोजाना प्रेडिक्शन का एक वीडियो देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।